नमस्कार। आज हम आपको गलगल का अचार, जो मौसमी अचार होता है, वो बताएंगे। इसमें सिर्फ नमक और मिर्ची ही डाली जाती है, इसमें कोई घी या कुछ भी नहीं डाला जाता। ये बहुत आसान है और काफी दिनों तक ये रह सकता है। इन गलगल को पहले धो लिया जाता है, 2 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है, फिर इसको निकाल के सुखा लिया जाता है। और अब इसको काट के छोटे छोटे टुकड़े डाल के इसमें नमक और मिर्च मिला दी जाएगी और अचार बन जाएगा। ये काफी टेस्टी होता है, रसीला होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हेलो, ये देखो, हम मर्तबान में एक कड़छी पहले नमक की डाल लेंगे और इसके पीसेस हमने काट लिए हैं गलगल के। ये मौसमी अचार है, ये बहुत अच्छा बनता है। ये देखो, एक कड़छी हमने एक मर्तबान में पहले डाल ली। डालने के बाद हमने इसमें सारी गलगली ऐसे ही हमने इसमें डाल लेनी है। ये देखो, छोटे छोटे पीस काट लिए गए हैं। इसमें छोटे छोटे पीस हमने ऐसे डाल के इस पर हम 2 कड़छी और नमक की डालेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये नमक से ही रहता है, काफी दिनों तक इसको संभाला जा सकता है। ये बहुत टेस्टी होता है। और इसमें 1/2 कड़छी के मुताबिक हम लाल मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हम मिर्ची कम खाते हैं और 1/2 कड़छी इसमें मिर्ची डाल दी गई है। और अब इसको हिला दिया जाएगा, 3-4 दिन इसको हिलाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे ऐसे करके एकदम से इसको ऐसे ऐसे करके मिला लेना है। ये देखो, ऐसे ये 2-3 दिन इसको हिलाना पड़ेगा और ये बहुत रसीला अचार तैयार हो जाएगा। देखो, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, फायदेमंद भी है। धन्यवाद।